structures measures in the lab of nature, and how well the various वाकई दिल को छू लेने वाला है। अपनी रिवायती वर्दियों में मनबूस ये टुकड़ियां आज नए रंग में फिंगर्स का दस्ता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी तशरीफ ले आए मेहमान मुमताज रोस्टर पे। इधर से वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे देश में बढ़ रही है। यह एक नई जनरेशन का वॉरफेयर है और इसमें अपराधी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टेड है, जिसका एकमात्र उद्देश्य फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना है तथा अमन चैन और शांति को भंग करना है। जो यह ग्लोबल नेटवर्क गिरोह है उसे लड़ने में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के जो हमारे युवा साथी हैं वो एक मल्टीप्लायर फोर्स का काम करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी मैं मानता हूं कि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है और टारगेट भी है। आपको अपने साइबर असेट को संभालना भी है और बाकी के सिस्टम को बचाना भी है। आप लोगों ने एक साल के कोर्स में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, इसलिए डिटेल में न जाकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो इस फोरम के लिए महत्वपूर्ण भी है। और जब आप यहां से अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे सबसे पहला काम अपने क्रिटिकल एसेट्स के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का आप करें, ये मेरी सलाह होगी। वी नीड टू इंश्योर सप्लाई चेन इंटीग्रिटी and devise standard operating procedures for use of cyber assets. Your job from the day one would require maintaining security of networks from harmful effects of malware, cyber attacks and internet of things. और आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी, बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सभी के लिए नीट नियम बनाना, रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, ये बिना कमिटमेंट के संभव नहीं है। और वह मैंने देखा कि आप लोगों में कूट कूट करके भरा है।